अभी हम मंदिर के नीचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैंटीन बना हुआ है। इसको पर जो बच्चे हैं ये भी सारे, इनका नाम बताओ। शिवम। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहे हुए? दो साल होने वाले। अच्छा, क्या इधर से क्या क्या लेने आई हो? अभी मैं तो बस नूडल्स ही लेने आई। मतलब उड़ीसा फूड अच्छा लगता है? हाँ, कभी खाया? बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुभम ने भी बता दिया कि उसको यहाँ का जो खाना है यहाँ पे, वैसे तो स्पेशली यहाँ का जो मेन जो रेस्टोरेंट है या स्पेशली इनका उड़िया फूड है, बट यहाँ पे जो इनका मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे चाइनीज फूड से लेकर उड़िया फूड यहाँ पे सब मौजूद है। और यहाँ पर आप सिटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ के सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है ना, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं यहाँ पर खाना खा के जरूर जाते हैं। एंड ये भी हमारे त्यागराज नगर में जो काम करने वाले भैया है, ये लोग यहीं पर ही आते हैं, रेस्ट करते हैं। और ये रहे हमारे सारे उड़िया फूड। माफी चाहूंगी कि मुझे इनका नाम नहीं पता, पर देखकर ये बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। एंड इनका नाम जो है ना, हम नॉर्मली भैया से ही पूछ लेते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो हम यहाँ के किचन में जाके विजिट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के किचन में कैसे काम होता है और कितना हाइजीन का ये लोग ध्यान रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यकांत साहू है। आपको यहाँ पे काम करे हुए कितना टाइम हो गया? हो गया 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो यहाँ पे थोड़े यहाँ पे उड़िया जो फूड रखा है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या इस बार खाना रखा है इसमें? ये बड़ा आलू चौप, गुलगुला, सिंगड़ा, एंडोरी पिठा, मालपुआ, दही बड़ा, सूजी काकरा, रसगोला, छेना पोड़ो, छेना गजा, और आमर ये रहा तापर एंडोरी पिठा, उड़िया आइटम भात डाली तरकारी भजा, चाइनीज रे भी अच्छे, नॉर्थ इंडियन भी अच्छी, पखाड़ अच्छे, सब चलती है। तथा घुगुनी दही मैंने इडली सांभर भी अच्छी, ढोसा अच्छी, उत्पन्न अच्छी, सब चलती है। सुबह 8 बजे लेके रात को 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक। तो यहाँ के सबसे स्पेशल फूड कौन से जो लोग ज्यादातर यहीं पर आके ये एक चीज खाते हैं? हमारा देखो उड़ीसा में ज्यादा स्पेशल है छेना पूड़ा। थोड़ा छेना पूड़ा की तरफ भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये छेना पूड़ा है। ओके, ये हमारा छेना पूड़ा, ये रसगुल्ला है, मतलब स्वीट में। हाँ। इसके बाद जो नाश्ता में होता है हमारा, सुबह का नाश्ता होता है दही बड़ा। हाँ। दही बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, आलू चप हो गया। हाँ। ये सब सुबह का हमारा नाश्ता, लेकिन यहाँ दिन भर चलता रहता है। ये हमारा रसगुल्ला है, उड़ीसा का स्पेशल है, उड़ीसा का स्पेशल रसगुल्ला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में उड़ीसा का स्पेशल रसगुल्ला है। इसको चलो ट्राई करते कि ये कैसा है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में जो रसगुल्ला बनता है वो बहुत छोटा सा होता है, एंड यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन कलर का है और बहुत मोटा एंड बड़ा सा। ये लो, ओ भाई साहब, ऑनेस्टली बोलू मुझे यहाँ पे रहे हुए 2 साल हो गए और मैंने ये पहली बार खाया है, एंड इसका टेस्ट में साफ साफ इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है यहाँ पे। एकदम मिनिमल, ना ही ज्यादा मीठा है ना ही ज्यादा कम मीठा है, मतलब एकदम प्रॉपर, एकदम जो स्वीटनेस है वो एकदम नॉर्मल है, एकदम मस्त है। कुछ भी बोलो, मैं दूसरा पीस भी खा रही हूँ, डोंट माइंड। तो यहाँ पे जो एक स्पेशल था, एक रसगुल्ला और एक जो छेना पूरी है, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये भी उड़िया की एक स्वीट डिश है, डेजर्ट है, जिसको आप खा सकते हो। यहाँ पे जो भैया से बात की थी उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर खाने पीने के लिए आता है रसगुल्ला और ये छेनापूरी जरूर खाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विदुष्मिता है। तो आपको यहाँ पे सेवा करे हुए कितना टाइम हो गया है? मैं तो बचपन से ही यहाँ पे हूँ। जब मैं 8 साल का थी तो यहाँ पे मेरे भाई थे, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पे। वाओ, मतलब आपका नाम क्या है? कृष्ण ज्योति। तो मैं पिछले 3 साल से हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा करके कैसा लगता है? जगन्नाथ जी की सेवा करके कैसा लगता है ये बोलने की बात ही नहीं है। हम जैसे दिख रहे हैं कितना आनंदमय है, क्योंकि आपका नाम क्या है? संगीता। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे कि कैसा रहा यहाँ? यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और जगन्नाथ मंदिर में सेवा देकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहके मुझे बहुत सारे कल्चर्स के बारे में भी पता लगा है, और मोस्ट ऑफ द उड़ीसी कल्चर के बारे में मैं यहाँ जान पाई हूँ। आपका नाम क्या है? अनुष्का। और आपका? लीना। तो आपको क्या चीज सीखने को मिली यहाँ पे? देखने को मिला, जैसे हम लोगों का इतना नहीं हो पाता, कहीं जाते हैं मंदिर के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं रहती, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पता लगा। जो पूर्णिमा आनी है, हर मंथ में क्या क्या पूजा होती है, किस रिगार्डिंग होती है, सब चीज। मैं बेसिकली मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे इतना नहीं पता था वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में, तो यहाँ आके वहाँ से रिलेटेड चीजें जानना और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है काम में भी और अपने रिलीजियंस में भी, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है।